नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बिहार बीजेपी के एक विधायक जी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। पुलिस नार्को टेस्ट की तैयारी में है, कोर्ट से अनुमति लेगी पुलिस, लेकिन इससे पहले पूरे मामले को जो है वो सीआईडी को जांच के लिए देगी। मामला बेहद ही गंभीर है, मर्डर से जुड़ा हुआ है और ये पूरा मामला बिहार के मोतिहारी का है। देखिए, 10 जुलाई को मोतिहारी के पिपरा थाना क्षेत्र के महुआवा गांव से वहां के पूर्व पंचायत समिति जितेंद्र प्रसाद कुशवाहा का शव पुलिस ने बरामद किया था। गोली मारकर हत्या की गई थी, लेकिन पुलिस ने जब इस मामले का उद्भेदन किया तो पुलिस ने दावा किया कि ये जो मामला है पूरी तरीके से आत्महत्या का प्रतीत होता है, लेकिन पुलिस अब भी जांच करे इस पूरे मामले पर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आए हैं, चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। हालांकि मोतिहारी पुलिस अब तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है, लेकिन पुलिस के पास मृतक का मोबाइल है, मोबाइल में इससे मिला हुआ एक वीडियो जिसमें मृतक ये कह रहा है कि मेरी जान को खतरा है। पिपरा का विधायक, देखिए, जो बीजेपी के कोटे से हैं श्याम बाबू यादव, उनकी हत्या करवा सकते हैं। साथ ही साथ बीजेपी के एक और नेता का नाम है, वो भी एक किसी एक बड़े ओहदे पर हैं, नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन पुलिस जो है इस पूरे मामले में अब छानबीन में जुटी है। 3 आरोपी हैं, देखिए, उनके नार्को टेस्ट भी कराने की तैयारी में पुलिस है। फिलहाल सीआईडी से पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी। मोतिहारी के एसपी कांतेश मिश्रा खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि बेहद ही गंभीर मामला है। जाहिर सी बात है, बिहार विधानसभा के एक सदस्य हैं, बीजेपी के विधायक हैं श्याम बाबू यादव, मर्डर का आरोप है और वो आरोप परिवार ने नहीं बल्कि मृतक ने खुद लगाया। एक वीडियो मृतक के मोबाइल से बरामद हुआ, लेकिन मोतिहारी की पुलिस ये भी कह रही है कि जो मृतक है जितेंद्र प्रसाद कुशवाहा, उन्होंने अपने मोबाइल में क्या क्या सर्च किया था मरने को लेकर। तो फिर इस पूरे मामले में पुलिस ये गुत्थी सुलझाने में जुटी है कि आखिरकार मर्डर है या फिर ये सुसाइड है। लेकिन साथ ही साथ जो आरोपी हैं उनके नार्को टेस्ट की तैयारी में भी लगी हुई है मोतिहारी की पुलिस। सीआईडी की टीम जो है वो अब इस मामले की जांच करेगी। क्या कह रहे हैं मोतिहारी के एसपी कांतेश मिश्रा, जरा वो सुनिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, वो पिपरा हत्याकांड के संबंध में आप लोगों को अपडेट देने के लिए बुलाई गई है। इस संबंध में हम लोग सीआईडी से बात कर रहे हैं और कल हम लोग आईओ के साथ वहाँ पर एडी चेयर से मिलेंगे और हम लोग वहाँ से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। और इसके अलावा जो पोस्टमार्टम में जो बातें आई हैं उसको क्लैरिफिकेशन करने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से। इसके अलावा नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी गुजरात से भी हम लोग इसमें मार्गदर्शन लेंगे। आवश्यकता अनुसार हम लोग माननीय न्यायालय से अनुमति लेकर अभियुक्तों का नार्को टेस्ट कराने की दिशा में भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ पत्रकार बंधुगण उसमें किसी प्रकार का कयास ना लगाएं और अगर कोई ठोस साक्ष्य है किसी के पास तो कृपया आगे आकर बयान दें। आपके बयान को हम लोग माननीय न्यायालय में दर्ज कराएंगे और चूंकि अनुसंधान अभी अग्रतर स्टेज में है तो किसी भी प्रकार के कयास से जो अनुसंधान होता है वो दिशा से हट सकता है। इसीलिए आपसे अनुरोध रहेगा कि जो भी साक्ष्य आए हैं उस दिशा में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक की जो हमारे अनुसंधान में जो आई है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के रूप में, पूर्व में भी आप लोगों को बताई गई थी, मृतक का मोबाइल में जो सर्चेस हैं वो इम्पोर्टेंट एविडेंस हैं। इसके अलावा मृत्यु के लगभग 4 घंटे 1 घंटे 5 घंटे पहले का जो वीडियो है हमारे पास करीब 3:30-4 बजे का, वो भी एक अहम कड़ी है इस पूरे अनुसंधान में। इसके अलावा यह साक्ष्य कि वो उस रात व्यक्ति सो नहीं पाया था, इसका भी साक्ष्य हमारे पास मौजूद है। इनके मोबाइल को हम लोग फॉरेंसिक में भेज चुके हैं, हम लोग अभी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और पुनः आप लोगों से अनुरोध होगा कि अगर किसी के पास कोई ठोस साक्ष्य है तो वो आगे आकर बयान देने के लिए आगे आए और हम लोग माननीय न्यायालय के आदेशानुसार हम लोग आगे कार्रवाई इसमें करें। तो मोतिहारी के एसपी कांतेश कुमार मिश्रा को आप सुन रहे थे। बेहद ही गंभीर मामला है, एक हत्याकांड से जुड़ा हुआ मामला है, जिस मामले में बीजेपी के विधायक श्याम बाबू यादव को आरोपी बनाया गया है। साथ ही साथ दो और लोग हैं। पुलिस इस पूरे मामले में गुत्थी सुलझाने में जुटी है कि आखिरकार ये मामला है क्या, क्योंकि मृतक का एक बयान कि विधायक मेरी हत्या करवा सकता है वो कहीं ना कहीं बेहद ही एक गंभीर विषय है। पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है, साथ ही साथ ये भी दावा कर रही है जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।